नमस्कार, WRN न्यूज के साथ मैं हूँ प्रतिभा शर्मा। नया साल खुशियों से भरा हो, भला किसकी चाहत नहीं होती। लोग इस चाहत में कई तरह के रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बहुत सारी धार्मिक चीजें पूजा पाठ करते हैं, मगर इन सबके साथ अगर वास्तु के अनुसार कुछ इसमें बदलाव किए जाए तो सोने पर सुहागी की तरह काम करता है। जी हाँ, हम जिस चीज में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं वो है दीवार घड़ी। अक्सर घर में घड़ी लगाते समय हम सही दिशा का ध्यान नहीं देते, बस जो दीवार सजानी होती है उसी में ही हम अपने मनपसंद की घड़ी लगा देते हैं। मगर अगर हम इसे वास्तु के हिसाब से देखें तो इस दिशा में घड़ी लगाना सही नहीं माना गया है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे वास्तु से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप घर में दक्षिण दिशा में घड़ी लगाते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य खराब रहता है और प्रगति के अवसर रुक जाते हैं। जी हाँ, घर में दक्षिण दिशा में घड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य खराब रहता है और उन्नति में के जो योग होते हैं वो भी नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए दक्षिण दिशा में आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंबर दो, वास्तु के अनुसार दीवार घड़ी पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो भी आपके अटके हुए काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और साथ ही उन्नति के द्वार भी खुलते हैं। नंबर तीन, घर में पेंडुलम वाली घड़ी लगाना शुभ माना गया है। इससे आपके करियर में भी तरक्की होती है, इससे आप सफलता की ऊंचाइयों पर बढ़ते चले जाते हैं। इस घड़ी को पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। काले, नीले और लाल रंग की घड़ी लगाने को हमेशा अशुभ माना जाता है, तो इन सभी रंग की घड़ी आपको नहीं लगानी चाहिए। अगर हम आकार की बात करें तो हमेशा घर में चाकोर या गोल आकार की ही आपको घड़ी लगानी चाहिए। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए WRN न्यूज़।